अंतरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज में एनएसएस के बैनर तले संविधान दिवस मनाया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर कार्यक्रम का आयोजन चतरा जिले के अंतरगंज स्थित रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के प्रांगण में एनएसएस के बैनर तले संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के थीम पर आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनीति विभाग के प्रोफेसर कुमारी मंजू सिंह एवं संचालन एनएसएस पीओ डॉक्टर फहीम अहमद ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस के लक्ष्य गीत से भूगोल विभाग के प्रोफेसर पूजा सिंह सुहानी कुमारी दयाश्री ने संयुक्त रूप गाकर किया। साथ ही संविधान की प्रस्तावना पढ़ाकर शपथ दिलाई। प्रोफेसर मंजू सिंह ने संविधान के प्रस्तावना संविधान सभा की कमेटी और संविधान तैयार किए जाने में लोगों की महती भूमिका पर व्यापक रूप से प्रकाश डाली। कहा कि संविधान की रूपरेखा बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महती भूमिका रही है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ का संविधान लचीला व कठोरतम का मिश्रण है। भारत के संविधान का प्रस्तावना उसकी आत्मा है जिसे हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत पर बल दिया। संविधान में सभी धर्म पंथ और अपने अपने रीति रिवाज भाषाओं का पालन करने का अधिकार देता है जो इसकी खूबसूरती को दर्शाता है। संविधान ने जहाँ नागरिकों को अधिकार दिया है वहीं कर्तव्य का भी बोध कराया है। इस मौके पर प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह प्रोफेसर फखरुद्दीन अंसारी ने भी अपने मंतव्य रखे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में विक्की कुमार माधुरी कुमारी राकेश कुमार यादव मोहम्मद साजिद अखिलेश यादव के अतिरिक्त दर्जनों छात्र छात्राओं ने महती भूमिका निभाई। धन्यवाद। हंटरगंज रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय में एनएसएस के बैनर तले संविधान दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। सेमिनार हॉल में मंजू मैडम राजनीतिक विभाग के अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हुआ। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर संविधान दिवस पर अपनी बात को रखा। संविधान की प्रस्तावना पढ़ाकर बच्चों को इसका बोध कराया गया और हम लोग इस संविधान को रक्षा के लिए सब लोगों ने इसमें वचन लिया कसम खाया कि हम लोग संविधान को ही लेकर चलना है और इसके साथ देश को लेकर आगे बढ़ना है।